नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, वो भी जेवलिन थ्रो में। और एथलेटिक्स में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को गोल्ड मेडल मिला है। और नीरज चोपड़ा ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया यार, मतलब 130 करोड़ भारतीयों की खुशी उनकी वजह से आई। तो इस पर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी रिएक्शन क्या है? ये लाहौरी फाइट्स का वीडियो है, नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड फॉर इंडिया, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी लोग अपने हमसाया मुल्क को गोल्ड मेडल मिलता देखकर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम एहतिशाम रांझा। अच्छा माशाल्लाह। क्या करते हो? मैं एडवोकेट। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? यस एग्जैक्टली। इतना ज़्यादा नहीं, बस कभी देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। डेफिनेटली है या थोड़ा बहुत लिटिल, बस थोड़ा बहुत है, नॉर्मल, इतना ज़्यादा नहीं है। जी यस बिल्कुल है, क्रिकेट में है और उसमें ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं उसमें। हाँ थोड़ा बहुत। तो आजकल ओलंपिक्स ऑन है, क्या सीन है? जी जी बिल्कुल जी जी, वो पाकिस्तान हार गया, पाँचवें नंबर पे आया है। ओलंपिक अभी हो रहा था, पाकिस्तान की जैसे स्विमिंग टीम तो बड़ी बैड लक हुई उनके साथ, कैंप के मेडल नहीं जीत सके और बड़ा बुरी तरह हारे हैं। ओलंपिक्स का मतलब इतने ज़्यादा मैचेस वगैरह तो नहीं देखते, पर अपडेट्स वगैरह देखते रहते हैं। देखा है मैंने। क्या चल रहा है आज, कौन जीता है? आज तो इंडिया वाले जीत गए गोल्ड मेडल, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। टाइम बाद उनके ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल आया है और एक तरफ से हार्ड लक पाकिस्तान। अभी रिसेंट अपडेट आई है, पाकिस्तान हैज गॉट फिफ्थ पोजीशन इन जेवलिन थ्रो, अर्शद नदीम ने लिया है, जबकि इंडिया की आई है उसी में फर्स्ट पोजीशन, दे हैव वन गोल्ड मेडल। सो क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान का तो हर जो भी स्पोर्ट है उनमें नीचे ही है, जैसे क्रिकेट में होगा वो भी हार जाता है और हॉकी है वो उसको तो देखता नहीं है, और फुटबॉल में तो वैसे ही उनको बाहर कर दिया है, वो खेल ही नहीं सकते हैं। इंडिया में जो है ना उनके कोच हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, सॉरी, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है उनको, ये हमारे पास जो स्पोर्ट्समैन है इनको इनकरेजमेंट नहीं मिलती, इनकरेज नहीं किया जाता, डिसहार्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि वो इस तरह की इन्होंने हरकत की है, पाकिस्तान पैसों के अलावा और कुछ नहीं देखता, और इंडिया वालों को अप्रिशिएट किया जाता है कि इंडिया वालों ने जीत ली है और बहुत कंग्रेचुलेशन कहते हैं उन्हें। रिएक्शन तो ये है कि मैं दोनों को कंग्रेट्स करूँगा, इंडिया को इसलिए कि उन्होंने स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान को भी इसलिए कि स्ट्रगल किया, लेकिन मसला ये रिसोर्सेज का डिफरेंस है। पाकिस्तान के पास वो मैनेजमेंट नहीं है, ओलंपिक जीतना चाहते हैं लेकिन इनकी मैनेजमेंट नहीं है। हाँ। और वो ट्रेनिंग वगैरह उनके जो कोचेज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान वालों के, इंडिया वालों को चाहिए वो कम खेलें। तो रिएक्शन ये है कि पाकिस्तान को मेहनत करनी चाहिए, मजीद मेहनत करनी चाहिए ताकि वो पहले नंबर पर, हमें खुशी हो कि हम मतलब हमारा भी जज्बा बढ़े, पैशन मजीद बढ़े, तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब मेहनत करें वो। इंडिया चूँकि हमारा दुश्मन है तो हरीफ है, लेकिन फिर भी उनको कंग्रेचुलेट करना तो बनता है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है। एक तो पाकिस्तान की जो ओलंपिक्स में टीम थी वो बहुत कम थी ना, काफ़ी टाइम बाद ओनली 10 प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड, जबकि इंडिया से 127 प्लेयर सिलेक्ट हुए। हाँ जी, मतलब ये एक प्लानिंग वगैरह नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कुछ बताते नहीं है कि किस तरह खेलनी है, क्या करना है, कोई प्रोग्राम ही नहीं बनता उनका, इसलिए सपोर्ट तो वैसे ही खत्म होने के बराबर हो गया। अब तो हर कोई अपनी अपनी बस कर रहा है, सिर्फ ब्राय नाम खेलते हैं कि हमारा नाम बन जाए और हम टीम में रहें बस। ये जो सपोर्ट का जो इनका बजट होता है एनुअली, जो पाकिस्तान उसको इनिशिएटिव नहीं करते, जिस वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको एंटरटेन किया जाता है और उनको लिए एक्टिविटीज़ और उनको फील्ड जिस फील्ड में काम कर उनको एक्टिविटी दी जाती है, पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ नहीं है। क्योंकि कोविड वजह से पहले भी पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के हालात बहुत बुरे हैं, जैसे क्रिकेट है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, और अभी ओलंपिक में जो फिफ्थ भी खेली, इसने बड़ी एफर्ट की है लड़कियाँ हमारे ने। बस ये पाकिस्तान जो है ये हमेशा शुरू से ही जहाँ पे पैसा फेंको वहाँ पे तमाशा देखो ये वाली बात हो जाती है कि पाकिस्तान को पैसा दिया जाता है तो ये रुक जाते हैं, पैसा लिया जाता तो ये जीत लेते हैं। बस से पाकिस्तान को ऐसे शर्म आनी चाहिए कि वो इंडिया से हार गए हैं। अब जिस तरह हमारे घर आए जी पीएम साहब, हमारे बड़े कहते हैं मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ ये और वो, सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट में सारे क्लब क्रिकेट ख़त्म की, उनका लिए नुकसान। अब जब जारी से बात हमारे ओलंपिक्स में जा रही हैं एथलीट तो उनके लिए तो कम अज़ कम सारे रिसोर्स कम्प्लीट करें, लेकिन इसके बावजूद कतन जो हमारा है एथलीट था उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कॉन्ग्रेट्स उसके लिए भी कि उसने गाँव में रह कर भी इतना स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचा। हाँ। और इंडिया के लिए इसलिए कि उसने भाई पूरी तरह तैयारी से गया और वो गोल्ड मेडल भी लिया। ये इनको चाहिए था क्यों, दोनों हम साए हैं,
तो एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। दिस इज अ ट्रू पैट्रियोटिक मैन। ये 1-2 में आ जाते, चलो एक फिफ्थ था तो इंडिया वालों को चाहिए वो फोर्थ पे आ जाते, फिर भी इंडिया ने हमसे ऊपर ही आना था तो, लेकिन वो पास पास तो थोड़ा हो जाते ना। अभी वो हमसाए हैं, ये इन्होंने हमसाएगी का जो हक है ना वो नहीं अदा किया। हमने तो इसलिए फिफ्थ ली, मे भी वो अच्छा ना खेल सके तो हमारे बराबर आ जाएंगे, हम सेकंड ही ले लेते, हम थोड़े तो उनके पास आ जाते, वो कम ले लेते ना। हमने तो इसलिए ली कि मे भी उनकी भी मैनेजमेंट ना अच्छी हो। इंडिया वालों सुन लो, आईना ना अच्छी पोजीशन। मतलब ये क्या बात हो गई यार कि आप नीचे आ रहे हो तो हम आपके पड़ोसी हैं तो हम आपके साथ में आ जाएंगे। चलिए तो लगता है मजाक वाली बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है यार। आपको अपनी परफॉर्मेंस ऊपर बढ़ानी पड़ती है, आपको अपना स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाना पड़ता है, आपको उस लेवल पे आना पड़ता है जहां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अरशद नदीम ने बुरा खेला, उनका दिन नहीं था, वो बहुत अच्छा खेले और भारत की तरफ से भी उनको बहुत सपोर्ट मिला है। और मैं पाकिस्तानी आवाम को कहना चाहता हूं कि आप लोग बढ़ावा दीजिए स्पोर्ट्स को, और अरशद नदीम ने बहुत अच्छा खेला है। आप मेरे ट्वीट जाकर देख सकते हैं, मैंने भी उनकी तारीफ की कि यार बहुत अच्छा खेला उन्होंने, हार्ड लक कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे टैलेंट्स को उभारेंगे, ऐसे टैलेंट्स को लेकर सामने आएंगे तो यकीन मानिए कि आपको भी मेडल मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कोशिशें बहुत करनी पड़ेंगी और ये एक आध साल, दो साल, चार साल में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई लोग। इंडिया वालों सुन लो, आईना ना अच्छी पोजीशन ही लेनी क्योंकि हमारी अच्छी नहीं खेला ना, कि इंडिया वाले भी शायद हार जाएं। लेकिन वो तो धोखा करके वो ज्यादा आगे चले गए, फिर उनको चाहिए था कि वो थोड़ा ख्याल करें। हमने उनका ख्याल किया, उन्होंने हमारा ख्याल नहीं किया। जाती होगी भी, जाती होगी, इस पे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये बात। लेकिन साथ साथ जो है ना पाकिस्तान को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, इसी तरह हमारे मुल्क का नाम ऊपर जा सकता है। अब देखें आप तल्हा तालिब जो हैं, उनका आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने मतलब फाइनल के करीब ही थे, 2 मिनट का जो है ना और अगर हो जाता तो गोल्ड मेडल ले जाते, मिला था मैं उनसे भी। ये हमारा सिस्टम ही ना ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो पैसे देते हैं उनको आगे ले जाते हैं, और जो जिनमें टैलेंट होता है उनको उनको कोई पूछता नहीं है, और जो जिनके पास पैसे होते हैं उनको आगे ले जाते हैं। इस वजह से कोई कोई मेन प्लेयर ही नहीं आगे आता, जिसकी वजह से फिर स्पोर्ट्स में तो वैसे भी हार नहीं है इन्होंने। वन थिंग मोर के हमारा जो नेशनल गेम है दैट इज हॉकी, हॉकी में तो हम सिलेक्ट हुए ही नहीं है ना। उसमें बैड लक ये है कि हमारे ये हर जितने भी स्पोर्ट्स हैं सब पॉलिटिशियन नज़र हो जाती हैं, जो भी पॉलिटिक्स आता है अपने अपने फेवरिज्म होती है, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं। और आगे अपनी पाकिस्तान का नाम, और वैसे तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान वैसे पीछे बहुत है तो आगे जाना चाहिए और इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में इतनी की टीम को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वो टीम और ज़्यादा आगे बढ़े। हमारे पास नहीं है, हमारे पास है, लेकिन हमारे से पास सियासत भी अच्छी अच्छी खासी है ना, सियासत की नज़र सब कुछ होता है, सारी मोनोपोली चल रही है। जाहिर सी बात है, इस तरह हम सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं, क्रिकेट लेके चल रहे हैं, और क्रिकेट में भी सियासत होती है। उसके अलावा जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ओलंपिक्स में हमारी हॉकी नहीं गई, हालांकि नेशनल गेम है हमारी हॉकी। एग्जैक्टली, हमने तो उनके साथ वो प्यार मोहब्बत किया, उन्होंने हमारी वो ना इज्जत नहीं रखी, उन्हें इज्जत नहीं रहा सही, उन्हें चाहिए था वो थोड़ा कम खेलते, क्योंकि हमने अगर कम खेला तो उन्हें भी चाहिए था कम खेलते। हम कहाँ खड़े हैं इस टाइम, कहीं भी नहीं, हम लोग बिल्कुल दूर हैं हर चीज़ से, सिर्फ एक ही चीज़ हमारे कंट्री में चलती है क्रिकेट, दूसरी चीज़ चलती है क्रिकेट, तीसरी चीज़ भी क्रिकेट। किस तरह इतना स्पोर्ट्स को भी मतलब गवर्नमेंट भी जो है नहीं इतना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो किसको जाके कहें, प्लेयर्स तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, डू थिंक कि हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही इसके लिए? एक प्लेटफॉर्म भी नहीं दिया जा रहा, कोई आवाज नहीं सुन रहा, कहीं भी तो किसको जाके कहें, ऐसी सुननी नहीं है तो ऐसी हम सारे जाके कह लिए। नवाज शरीफ को बुलाएं या उधर इंडिया वालों को कहें कि आप कम खेले, पाकिस्तान से उम्मीद नहीं है। नवाज शरीफ ने क्या करने आके, नहीं उन्हें कहें ना उन्हें दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएं। ओके अच्छा, तो ये सारी गेम के पीछे ये चीज चल रही थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक तो हमारी हुकूमत जो है ना इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है उनका पूरा, मतलब अगर मदद करें ना, अब वही अगर उसी की मिसाल ले लें तो अगर अच्छे बने हुए हों, मतलब खेलों के मैदान अच्छे हों और सारा कुछ सिखाया जाए, ट्यूटर्स वगैरह हों, तो हो सकता है अब आज इंडिया ले गया है कल पाकिस्तान ले जाएगा, क्योंकि उम्मीद जो है ना उम्मीद नहीं छोड़नी हमने इंशाल्लाह। ये किसी का भी हम नॉक नहीं कर सकते, वो इस पॉइंट पर नहीं नॉक कर सकते हैं कि जिसके पास जाएंगे ना वो अपनी एक सियासत के मुताबिक एक बात करेगा और बताएगा कि जी हम ठीक हैं, हम राइट हैं, ये लोग गलत हैं। तो जब तक हम खुद राइट नहीं होंगे, हम खुद सही नहीं होंगे, तो हम दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हालांकि हमें इस फील्ड के आगे आना चाहिए ताकि हम पार्टिसिपेट करें, नए लोग, नए स्पोर्ट्समैन को भी इनकरेज मिले। डेफिनेट लोग डिसार्ट होते हैं, आगे आते नहीं हैं, इस वजह से हमारा जो कम्पिटिट इंडिया है हमारा, हम वर्ल्ड कप हारे या जीते हैं, कोई भी ओलंपिक गेम हो या कोई भी, हम इंडिया से जीतना चाहिए एटलीस्ट। हम इंडिया, हमारा को हमारा वो राइवल है शुरू से ही, हम इंडिया से हार जाते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा बैड लगे, हम इंडिया से नहाना चाहिए हमें। मैसेज यही है कि हमारा सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाए।
क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं अच्छा होगा तो फिर ये इसी तरह के बनने हमारे जैसे प्लेयर बन जाएंगे फिर तो। देखा जाए कि मतलब ये पाकिस्तान वाले खुद गलत कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उन्होंने बस सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो दी है, हालांकि और भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। ठीक, हमारा नेशनल गेम है हॉकी, वहाँ से एक भी प्लेयर आगे नहीं है, वहाँ से भी प्लेयर आगे नहीं है, हमारा वो भी मतलब काफ़ी डाउनफॉल पे जा रहा है काफ़ी अर्से से, कि अभी इंडिया की टीम वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में भी, ठीक है वुमेन्स टीम ने वहाँ भी जीता है। हाँ, नहीं हारे ना बेशक, लेकिन हमारे बराबर साथ लेके चले ऐसे ये प्यार जो दोनों तरफ से होता है वो आपने वीडियो देखी है ना, ऐसे प्यार नहीं होता है, इन्हें चाहिए था लेकिन अब क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करें कि मतलब वो आगे बढ़ने के लिए फैसिलिटीज दें उनको, ताकि उनका भी जज्बा बढ़े जीतने के लिए, तो इस तरीके से पाकिस्तान हमारा आगे आ सके। अच्छा वो ना जो मैंने क्लिप देखा उसने ना जो पिच है क्या ना जोर से और उसने बड़े कॉन्फिडेंस के ना ऐसे करते मतलब उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैं जीत जाऊँगा। ये पाकिस्तान की तरफ से एक ये जो एक तो वो था जो वेट लिफ्टिंग वाला था, बिल्कुल उसने काफ़ी मेहनत की थी, वो काफ़ी आगे तक पहुंचा, और एक ये जेवलिन थ्रो वाला था इसने भी काफ़ी मेहनत की कि फिफ्थ नंबर तक ये कम से कम पहुंच तो गया है, लेकिन हार्ड लक कह सकते हैं हम और इंडिया वालों को। मेहनत तो प्लेयर्स सारे अपनी तरफ से पूरी पूरी कर रहे हैं, तो मेहनत तो सारे प्लेयर्स कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं हासिल उनको, तो ये एक मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरफ से अगर सपोर्ट हो गवर्नमेंट की तरफ से तो उम्मीद है कि हम भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं ओलंपिक्स में। सो गाइज वी हैव सीन लोगों के बड़े मज़ेदार किस्म के रिएक्शन आए हैं, फनी भी थे, बीच में गुस्से वाले भी थे, बीच में कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे, मोटिवेट किया गया पाकिस्तानी टीम को भी और इंडियन टीम को भी बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। सो द थिंग इज़ आर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू सच प्लेयर्स टू सच पीपल के उनको जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको आगे लेके आएँ, ताकि भाई पाकिस्तान में क्या दुनिया में जाके हम भी अपना नाम रोशन कर सकें। सो गाइज वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, बहुत अच्छा खेले हैं आप लोग, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान एज वेल, उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया। सो गाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़। तो भाइयों वीडियो हो गया है ख़त्म, तो मुझे अब ये सारा वीडियो देखने के बाद ना मुझे कई सारी बातें कहनी हैं। पहली बात तो ये कि नीरज चोपड़ा ने जो किया वो अद्भुत था, अद्भुत। अच्छा आपको पता है नीरज चोपड़ा भारतीय फौज में JCO हैं, मतलब जूनियर कमीशनड ऑफिसर हैं, सूबेदार हैं, तो आप सोचिए जो फौजी का जो जुनून होती है ना, फौजी वाले जो कहते हैं ना कि वो फौज की तरह काम करो, मतलब जहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं हो वहाँ फौज लगा दो तो काम हो जाता है, यानी कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीरज चोपड़ा ने बहुत पहले, आप उनके ट्विटर पर जाओगे तो एक ट्वीट जो है उनका पिन है, और वो कई साल पहले का है, आई थिंक 2017 का है या शायद वो 4 साल पुराना है। उन्होंने तब लिखा था कि कुछ ना कुछ इतिहास बनेगा। आप सोचिए 4 साल पर, तो जो भाई साहब बात कर रहे थे ना कि जब उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में भाला फेंका और उन्होंने देखा भी नहीं कि भाला कहाँ जा रहा है, वो पीछे मुड़ के उन्होंने बस यूं कर दिया, तो ये जो कॉन्फिडेंस था ये कॉन्फिडेंस आज का नहीं है, वो 4 साल पहले वो कॉन्फिडेंस ट्विटर पर उन्होंने, आज भी उनका वो ट्वीट पिंड है उनकी प्रोफाइल पर आप जाके देखेंगे, तो उनको पता था कि मैं मेडल जीत कर लाऊंगा, ये उनका जुनून था, उनका गोल था और उन्होंने अचीव कर लिया उसे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, बीच में एक बार ऐसा मौका आया जब उनकी कोहनी में चोट लग गई, वो इंजर्ड हो गए, उनकी सर्जरी करानी पड़ी, काफी लंबे टाइम तक वो गेम से बाहर रहे, और आपको पता ही है कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए सर्जरी से बाहर आना, रिकवर करना और दोबारा उसी फॉर्म में लौटना कितना मुश्किल होता है। लेकिन यकीन मानिए नीरज चोपड़ा ने यह काम बहुत जल्दी किया, और पता है राइट हैंड की नी में ही चोट लगी थी उनको जिससे वो भाला फेंकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से रिकवर किया, इतनी ज्यादा मेहनत की, और मतलब उनकी मेहनत की मैं बहुत क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, वैसी मेहनत लोग नहीं कर सकते, और उसी मेहनत का नतीजा है वो रिकवरी जो की उन्होंने सर्जरी के बाद, और फिर से दोबारा अपने उस लेवल पर आए जहां पर वो इंजरी से पहले थे। बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, और उसी का परिणाम है कि आज पूरा भारत गोल्ड मेडल उनके जीतने के बाद जश्न मना रहा है। ठीक है, बाकी पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इंफ्रा सुधारने की जरूरत है, आपको जो सरकार है वहां की, बेसिकली देखिए एक तरफा नहीं हो सकता, आप ये चाहें कि सिर्फ खिलाड़ी अपनी मेहनत की बदौलत जीत ले वो नहीं हो सकता, खिलाड़ी तो मेहनत करेगा ही,
साथ में आपको जो सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए भाई, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, वो चाहे फील्ड की हो, वो चाहे टर्फ की हो, वो चाहे इक्विपमेंट्स की हो, वो चाहे कोचेज़ की हो, वो चाहे सपोर्टिंग स्टाफ की हो, वो चाहे मेडिकेयर की हो, वो सारी चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, प्रोवाइड सरकार द्वारा करानी चाहिए। अब सरकार ने प्रोवाइड कराई हैं, हमारे यहाँ हो रही हैं चीज़ें, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि हम अप टू द स्टैंडर्ड नहीं हैं। ये मानने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन अगर आप चाइना को देखेंगे दूसरी तरफ, तो आप देख रहे हैं वो मेडल टैली में कहाँ हैं, हम मेडल टैली में कहाँ हैं। और सिर्फ इसलिए है कि आप चाइना में जाकर देखें, वहाँ पे स्पोर्ट्स पे बहुत काम किया जाता है, वहाँ पे इंफ्रा बहुत ज़बरदस्त है। तो हमें ज़रूरत है चीन की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की। हालांकि आरोप भी लगते हैं कि चीन की जो टेक्निक्स हैं, 3 साल की उम्र से बच्चों को डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ डाल देते हैं, परफॉर्मेंस का बोझ डाल देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मानवाधिकारों ने भी, आयोग ने भी, वहाँ के जो इंटरनेशनल हैं उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन इन सब के बावजूद एंड में वही दिखता है जो रिजल्ट आता है, और चाइना बहुत आगे है तो भारत इसमें बहुत पीछे है। हालांकि काम हुआ है। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं 2 स्पोर्ट्स अभी खेलता हूं, पहला बैडमिंटन और दूसरा क्रिकेट। बैडमिंटन की मैं आपको बताऊं कि मेरे आसपास जहां पे मैं रहता हूं नोएडा में, वहां आसपास कम से कम 20 बैडमिंटन के कोर्ट्स बने हुए हैं, इंडोर कोर्ट्स, मतलब वो मैट वाले कोर्ट्स, नॉर्मल कोर्ट्स नहीं, मैट वाले और वुडन फ्लोरिंग वाले कोर्ट्स बने हुए हैं जिसमें मैं जाकर खेलता हूं। और वहां पर मैं देखता हूं कि मतलब रोज 100 से 100 से ज़्यादा लोग आके खेलते हैं, और टाइम स्लॉट्स में बटे हुए हैं, तो लगातार फुल रहते हैं वो। बच्चों की ट्रेनिंग भी हो रही है, एकेडमीज़ भी चल रही हैं लगातार, मतलब मेरे आसपास कम से कम 50 एकेडमीज़ होंगी जो चल रही हैं बैडमिंटन की। रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट में आपको बता दूं कि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, उनको पता है कि आसपास क्रिकेट के कम से कम 100 से ज़्यादा ग्राउंड्स होंगे जहां पे हम लोग जाके खेलते हैं। सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिली, हमने टीम ले ली, ग्राउंड बुक कर लिया, जाके खेल लिया, और वो ग्राउंड बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं। आपको फर्क महसूस नहीं होगा, उसकी पिच पे काम किया जाता है, पिच बहुत ज़बरदस्त होती है, ग्राउंड बहुत ज़बरदस्त, ऐसा नहीं है कि आप गिर गए और चोट लग गई और ऐसा हो गया, वैसा नहीं, प्रॉपर ग्राउंड्स होते हैं, प्रॉपर ग्राउंड्स, और उनका ख्याल रखा जाता है। तो सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है, इसमें प्राइवेट लोग भी आए हैं, सरकार की तरफ से भी आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है, प्लेयर्स को और ज़्यादा सुविधाएँ देने की ज़रूरत है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए बने, तो उससे खिलाड़ियों को ना मोटिवेशन भी मिलता है। और जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, अब सोचिए जैवलिन थ्रो में, मतलब नॉर्मली लोग भारत में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है कि क्रिकेट सब कुछ है, लेकिन नहीं, भारत ने खेलो इंडिया और बाकी चीज़ें शुरू करके क्रिकेट के अलावा भी, क्रिकेट पे तो है ही, क्रिकेट के अलावा भी ध्यान देना शुरू किया है, और उसी का नतीजा है कि आज सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं इस बार आए हैं, 7 मेडल आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में इससे और ज़्यादा मेडल्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। और 206 देशों में इस बार टोक्यो ओलंपिक में हम 47th नंबर पर रहे हैं, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल के लिए तो भैया बहुत अच्छा है, फिलहाल के लिए बहुत अच्छा है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी, और क्योंकि लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, लोगों का नज़रिया भी बदल रहा है कि भाई बच्चों को स्पोर्ट्स में भी भेजा जा सकता है, और आने वाले कुछ सालों में आपको इसके नतीजे और भी अच्छे देखने को मिलेंगे, और भी बेहतर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।